हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि न्यू सर्ज इन द साउथ प्रोपेल्स इंडिया पास्ट रसिया। तो क्या करें, साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे केस बढ़ा है COVID-19 का, जिसके कारण से इंडिया जो है रसिया को पास कर चुका है और तीसरा अफेक्टेड कंट्री बन चुका है ना। मतलब तो इंडिया जो है टोटल नंबर ऑफ केसेज के दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया तीसरे नंबर पर है, सबसे ऊपर अमेरिका है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। रसिया को पास कर चुका है, पहले इंडिया चौथे नंबर पे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दूसरा न्यूज़ यहाँ पे है कि तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक एडिंग केसेज रैपिडली, 5 साउथ स्टेट नाउ 25% ऑफ इंडिया लोड। यानी साउथ के जो 5 स्टेट हैं उसमें जो है इंडिया में जितना है उसका 25% इधर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक केस था कि एक न्यूज़ है कि स्कूल सेट नो मिड डे मील चिल्ड्रेन इन बिहार विलेज टू बैक टू सेलिंग स्क्रैप। तो जैसे यहाँ पे न्यूज़ से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, न्यूज़ में बताया है कि स्कूल बंद है, मिड डे मील नहीं मिला, इसके लिए जो बच्चे हैं बिहार के एक विलेज में, भागलपुर का एक केस स्टडी यहाँ पे आया है। ठीक है, तो बच्चे जो है वापस फिर स्क्रैप बेचने, मतलब कि जो लोहा टीना वगैरह गिरा हुआ रहता है ना, मतलब कि रोड पर, उसको कबाड़ चुन करके बेचने लगे हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग मिड डे मील के बारे में, मिड डे मील कब है, कब आया था, कैसे आया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मिड डे मील MHRD के अंदर आता है, बहुत पुराना स्कीम है। ठीक है, 1995 में स्कीम लाया गया था, 1995 में ही स्कीम आया था, MHRD के तहत आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम कहने का मतलब इसमें पैसा जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाया जाता है ना। नॉर्मली स्टेट में 60-40 के लिए स्कीम होते हैं, यानी 60 केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार, और हिमालयन स्टेट और जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेटस होते हैं, स्पेशल स्टेटस वाले जो स्टेट होते हैं उनमें 90-10 का रेशियो होता है, मतलब 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 95 में आया था, 1995 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD के अंदर आता है। इसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है यहाँ पे खिलाया जाता है, 6 से 14 साल या फिर 1 से 8 साल, मिड डे मील के अंदर 6 से 14 साल के बच्चे या फिर 1st क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे को इसमें शामिल किया गया है। जो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, मतलब प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं, उनको दिया जाता है 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन डेली, है ना, 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन। और बाकी जो है 6-8 तक के जो बच्चे हैं उसका 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। तो याद रखिए मिड डे मील स्कीम के बारे में। और इसमें यह भी प्रोविजन है कि यदि स्कूल किसी कारणवश यहाँ पर कुक्ड मूल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब कि पका बना बनाया खाना प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है किसी भी रीजन से, तो उसको उसके बदले कंपेंसेशन देना पड़ेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा देगा वो। अब रीजन चाहे जो भी हो, रीजन कोई भी हो सकता है, जैसे वहाँ पे जो कुक है वो अवेलेबल नहीं होना, पर रसोईया के अवेलेबल नहीं होना, या उस इलाके में चावल का नहीं मिलना, या फिर उस इलाके में कोई डिजास्टर आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो उस महीने के 15 तारीख के पहले उसको पैसा दिया जाएगा। एक उसके लिए भी लिमिट बनाए हुए कि एक आदमी, एक लड़का पे, या फिर एक 6 से 8 तक का या 1 से 5 तक के बच्चे के लिए इतना मिलेगा, और इस तरीके से एक लिमिट के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। तो एक था मिड डे मील स्कीम के बारे में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है आज इंडिया का देख लेते हैं, कोरोना के मीटर देख लेते हैं कितना है। तो 6,73,164 केस अभी तक टोटल हो चुका है, जिसमें 4,09,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 19,000 लोग की डेथ हो गई है। डबलिंग रेट इंडिया का भी 20.53 डेज है, यानी कि 20.53 दिन, लगभग कल भी इतना ही था, मतलब कि इसी के लगभग में था। महाराष्ट्र में केस 2 लाख को पार कर चुका है और तमिलनाडु में 1 लाख को पार कर चुका है। दिल्ली में हो सकता है कि आज 1 लाख पास कर जाए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जो 7 डे का अर्ली, 7 डे पहले जो फैटलिटी रेट था, फैटलिटी रेट मतलब कितने लोग डेथ कर रहे हैं, 100 लोग यदि पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसमें से कितने लोग डेथ कर जा रहे हैं, तो 3.4 लोग थे, अभी जो है 2.86 हो चुका है, मतलब कि फैटलिटी रेट थोड़ा सा कम हो गया, तो हमारे लिए बढ़िया बात है। और पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए तो पहले जो है पॉजिटिविटी रेट बोलते हैं कि कितने लोग को टेस्ट किया जा रहा है उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग को टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें 6.43 पीपल जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ठीक है, पहले 7 दिन, अब जो है ज़्यादा लोग हो गए, यानी 6.88 पीपल अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं केस डिटेक्टेड की बात किया जाए तो 24,000 केस डिटेक्ट हुआ है कल, यानी 24,000 केस कल नया आया है और 14,000 लोग कल ठीक हो गए हैं। ठीक है, तो ठीक होने वाले की संख्या यहाँ पे काफ़ी कम है यहाँ पे, तो एक चिंताजनक विषय है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक डुअल मैसेजिंग करके आया है टॉप, इसमें बताया गया है कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो है बिप्लब देव। तो सबसे पहला जानकारी तो हमको यही मिलता है कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, बिप्लब देव। इज टेकिंग मैसेज ड्यूरिंग द COVID-19 क्राइसिस टू अनदर लेवल आफ्टर लोकेटिंग ₹1 करोड़ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइन एप्पल एंड लेमन जूस। क्या कर रहा है कि लोगों के बीच में, बाकी सारे स्टेट में देखेंगे चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, त्रिपुरा में पाइन एप्पल मिल रहा है, लेमन जूस मिल रहा है। ठीक है, इसका रीजन है कि त्रिपुरा में पाइन एप्पल काफ़ी ज़्यादा होता है और लॉकडाउन के कारण अभी बिक्री वहाँ पर है नहीं, मतलब वहाँ से दूसरे स्टेट में उतना नहीं जा पा रहा जितना पहले जाता था। ठीक है, तो त्रिपुरा में पाइन एप्पल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सोचे वहाँ के मतलब कि चीफ मिनिस्टर को सोचा गया क्यों ना जो लोगों के बीच में बंटवा दिया जाए, तो इससे जो किसान उनको भी फायदा हो जाए, उनका बिक भी जाएगा और लोगों को भी थोड़ा सा फायदा होगा कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पाइन एप्पल थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा यहाँ पे।
तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइन एपल एंड लेमन जूस टू पीपल एवरी सैटरडे, तो हर एक शनिवार को हर एक लोगों को वहाँ पे पाइन एपल लेमन जूस मिल रहा है। द चीफ मिनिस्टर पब्लिसाइज फोटो ऑफ हिम सर्विंग इज मदर हॉट वाटर विद जिंजर, तो वही एक फोटो उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पे कि जिसमें अपनी माँ को गर्म पानी और आधी वहाँ पे अदरक जो होता है उसको खिला रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इसे एक डबल मैसेज सेंड किया जा रहा है। डबल मैसेज क्या सेंड किया जा रहा है कि लोगों को भी बोला जा रहा है कि आप भी अपने घर में जो बड़े लोग हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, उनको हॉट वाटर विद जिंजर या फिर तुलसी का पत्ता वहाँ पे गर्म करके दें, जिससे उनके अंदर भी जो इम्यूनिटी बढ़ेगा और मतलब कि वहाँ पे COVID-19 का केस थोड़ा सा कम होगा, मतलब उनको इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उनके साथ एक हैशटैग चला टेक केयर ऑफ एल्डर्स, है ना। इसी तरीके से एक प्रोग्राम चला था सेफ दादा दादी एंड नाना नानी, है ना, इस तरह का प्रोग्राम चला था नीति आयोग के द्वारा था, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, इसका नाम हम कन्फर्म अभी नहीं बोल पा रहे, लेकिन नाम कुछ ऐसा ही था, सेफ दादा दादी एंड सेफ नाना नानी, ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा था, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है, तो इसमें ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस स्टेट के द्वारा कौन क्या फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया COVID-19 के द्वारा, या फिर यदि पूछा जाए मेंस में ऐसा मान ली क्वेश्चन है कि इंडिया मतलब इंडियन के जो स्टेट गवर्नमेंट थे COVID-19 में क्या क्या लोगों को हेल्प किया, क्या क्या किसके द्वारा हेल्प किया गया लोगों को, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इस स्टेट के द्वारा चावल दिया गया, यहाँ दाल दिया गया, यहाँ पे पाइनएप्पल दिया गया, लेमन जूस दिया गया, इस तरीके से। नेक्स्ट, अमिट कोविड 19 के बीच में LAC स्टैंड ऑफ के बीच में PM जो है प्रेसिडेंट को मिले और उनको ब्रीफ किए कि मतलब उनको जो है क्या चल रहा है दुनिया में ये बताएं, तो ठीक है। ये बात हमारे आर्टिकल 78 में लिखा गया, आर्टिकल 78 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ पे लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर का यह रोल है, जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन का साइट है उसे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 78 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, यहाँ पे 1949 लिखा है क्योंकि हमारे संविधान जो है 1949 में ही बना था उस समय। तो आर्टिकल 78 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा गया है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, चूँकि देखिए जितना काम हमारे देश में होता है, जितना अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है, इंटरनेशनल ट्रीटी होता है, या फिर कोई भी जो खर्च होता है, कोई भी वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, लेकिन करते कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर। इस कारण से प्राइम मिनिस्टर का एक जिम्मेवारी बनता है कि प्रेसिडेंट को बताएं कि आपके नाम पे हम बाहर क्या क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई आपका नाम लेके बाहर क्या करेगा, तो आपको बताएगा ना कि हम तुम्हारे नाम पे आज यहाँ पे ये काम किए, यहाँ से जाकर इतना उधार लिए, हम बोल दें कि वो दे देगा, तो उस तरीके से। तो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को बताते हैं, क्या बताते हैं, तो पहला, टू कम्युनिकेट टू द प्राइम प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो काउंसिल होता है, मंत्रिमंडल का जो डिसीजन है, वो पूरे डिसीजन के बारे में बताना है प्रेसिडेंट को, रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब कि किसी भी तरह का डिसीजन हो, यूनियन के अफेयर्स के बारे में हो, मतलब कि केंद्र सरकार के कामकाज के बारे में हो, या फिर कोई नया कानून लाने के बारे में हो, पहले जो है मतलब पहले या बाद में कभी प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन है उसको प्रेसिडेंट को जाकर के बताए कि हम ये डिसीजन ले हैं, आपके नाम पे हम बाहर ये काम करने वाले हैं। नेक्स्ट है, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल ऑफ। फिर दूसरा क्या कह रहा है, यदि प्रेसिडेंट किसी काम के लिए बुलाता है, प्रेसिडेंट जो है किसी काम के लिए प्रेसिडेंट किसी काम के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा लेजिस्लेशन आए, इस तरीके से काम काज हो, तो वहाँ भी उसके बारे में भी ब्रीफ किया जाए कि हाँ आप ऐसा डिसीजन, आप ऐसा सलाह दिए थे तो हम इस तरीके के काम किए, उसमें अमल किए या नहीं किए। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, तो जैसे कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट इस बात को मांग भी सकता है, जैसे मान लीजिए कि यदि प्राइम मिनिस्टर जो है, कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है दूसरे पार्टी से रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर दूसरे पार्टी से, मतलब दोनों के बीच वैचारिक मतभेद रहता है मान लीजिए कि, तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर डिले कर देते हैं इस बात को, डिसीजन को बताने में प्राइम मिनिस्टर डिले कर देते हैं क्योंकि ऐसा कोई टाइम पीरियड दिया नहीं गया कि कितने समय के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बताएगा सब कुछ, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि प्रेसिडेंट कभी कभी मतलब कि जब उनका क्या बोलते हैं उनका इंतजार का जब ख़त्म हो जाता है, अब उनसे मतलब रहा नहीं जाता कि प्राइम मिनिस्टर क्या क्या कर रहे हैं, ज़रा पता करते हैं, तो प्रेसिडेंट खुद बोलते हैं कि हमको जो बताइए आप लोग कि क्या आप कर रहे हैं उधर मेरे नाम पे, है ना। तो तीन कंडीशन है यहाँ पे, तो याद रखिएगा मतलब कि मेन रूप से आर्टिकल 78 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होगा कि प्रेसिडेंट को हर चीज़ जो बताए, जो डिसीजन उसके द्वारा लिया गया उसके बारे में, ठीक है। तो वही यहाँ इस न्यूज़ में था, कहाँ गया कि कोविड के बीच में और LAC स्टैंड ऑफ के बीच में प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट से मीटिंग की और सब कुछ के बारे में बताया कि दोनों कंट्री के बीच में क्या चल रहा है और अपने कंट्री के अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ब्लॉक 40 वेबसाइट ऑफ अनलॉफुल सिख ग्रुप। तो जैसा कि कई बार हम बता चुके हैं कि एक सिख का एक आउटफिट है,
सिख का एक ग्रुप है जो अलग कंट्री का डिमांड करता है, जिसमें पाकिस्तान का थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा, इंडिया का थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा का हिस्सा, इस तरह का कुछ शेप उसका बनेगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और उसका नाम लोग खालिस्तान रखना चाहता है, ठीक है। इंडिया के भी कुछ लोग हैं जो खालिस्तान सपोर्टर हैं, खास करके खालिस्तान सपोर्टिंग एलिमेंट आजकल कनाडा में ज़्यादा चलता है, ठीक है। कनाडा में काफ़ी सिख लोग रहते हैं यहाँ के ओरिजिन के, तो वहाँ पे कई लोग हैं जो मतलब कि बहकावे में आकर के या फिर जैसे समझे खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और इंडिया में भी रहने वाले भी कुछ लोग हैं, जैसे हाल ही में खालिस्तान का जो मूवमेंट हुआ था उसको सप्रेस करने का कुछ साल पूरा हुआ था, तो उसके एनिवर्सरी पर जो हर साल जो है वहाँ पे गोल्डन टेम्पल पर बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए उसके याद में, या फिर 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ठीक है, जिसके कारण से इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी, मतलब उनको मार दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण ही, ठीक है। वो भी सिख खालिस्तान मूवमेंट को ही सप्रेस करने के लिए बनाया गया था ऑपरेशन, चलाया गया था ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके मतलब उसके सपोर्टर में जो 40 इस तरह का वेबसाइट था अनलॉफुल सिख ग्रुप का, ठीक है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। तभी जो 59 ऐप को बैन किया गया था चाइना का, किस एक्ट के तहत बैन किया गया था, तो जैसे कई लोग हम देखे हैं सोशल मीडिया पे लिखते हुए कि आर्टिकल 69A के तहत बैन किया गया, एक्चुअली ये आर्टिकल 69A नहीं है, ये लिखना ही गलत है, आर्टिकल 69A, ठीक है। ये जो है आईटी मतलब कि संविधान में जो लिखा गया तब ना आर्टिकल होगा, लेकिन ये जो बैन किया जाता है वो सेक्शन 69 है, ठीक है, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 का है, मतलब कि ईयर 2000 में आया था, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 उसका सेक्शन 69 है, उसके तहत किसी भी चीज़ को बैन किया जाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, ऐप हो या वेबसाइट हो, तो इसको भी उसी के तहत बैन किया जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द गवर्नमेंट ऑन संडे ब्लॉक 40 वेबसाइट फॉर जस्टिस, वेबसाइट ऑफ सिख फॉर जस्टिस है ना, ऐसा वेबसाइट का नाम था सिख फॉर जस्टिस एंड अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंडेड टू द एसोसिएटेड विद द खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है। तो सिख फॉर जस्टिस के एसोसिएशन है, एक ग्रुप है बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड 40 वेबसाइट को बैन किया गया है। द एक्शन हैज बीन टेकन बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो MeITY जो है मीटी, उसके तहत जो है इसके मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद है, इसके द्वारा बैन किया गया है, लेकिन जो रिकमेंडेशन आया था, सलाह आया था MHA के द्वारा दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताया गया कि MHA जो है मीटी को मतलब कि MeITY मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सजेस्ट किया कि आप जो है बैन कर दिए 40 वेबसाइट को, तो उसके द्वारा बैन कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस जो है एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, UAPA के तहत जो है 1967 जो UAPA जो है हमारा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, उसके तहत जो 1967 का हमारा एक्ट है UAPA एक्ट, उसके तहत जो है सिख फॉर जस्टिस को एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है ऑलरेडी, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी घोषित किया जा चुका है। अब यहाँ पढ़ते हैं जैसे सेक्शन 60A जो है IT एक्ट का, उसके तहत इसको बैन किया गया है 40 वेबसाइट को, इसी एक्ट के तहत पिछले बार भी बैन किया गया था, ठीक है। UAPA का फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत जो किसी एक आदमी को पहले जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित किया जाता था, तो होता क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बैन कर दिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन गलत है, तो इसी में इसमें जो भी आदमी था वो दूसरे नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा और काम अपना चालू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो अब क्या किया जाता है, पिछले साल एक अमेंडमेंट आया था इसमें UAPA में, जिसके तहत क्या कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि आदमी को हम यहाँ पर टेररिस्ट घोषित करेंगे, उससे क्या होगा कि वो आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो टेररिस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट है लोकस्ट मैनेज FAO आस्ट इंडिया टू बी ऑन हाई अलर्ट फॉर नेक्स्ट 4 वीक, तो क्या करें FAO के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया को बोला गया कि 4 वीक तक आप हाई अलर्ट पे रहिए, ठीक है, लोकस्ट के कारण। तो लोकस्ट अटैक के बारे में कई बार पढ़ चुके, आज हम लोग FAO के बारे में पढ़ते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है, ये UN का स्पेशलाइज एजेंसी है, तो इसका पूरा नाम है UNFAO यानी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है, इटली जो का जो राजधानी है रोम, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंडिया में जो मेनली डेजर्ट अटैक मतलब कि लोकस्ट का अटैक हो रहा है वो मेनली डेजर्ट लोकस्ट है, ठीक है। लोकस्ट भी कई तरह के होते हैं, तो उसमें डेजर्ट लोकस्ट अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट अ डॉग एज इन ह्यूमन ईयर, क्या करें डॉग एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन ईयर में। तो ये क्या बात हुआ, जैसे ह्यूमन ईयर और डॉग ईयर क्या होता है, दोनों अलग है क्या? तो हाँ, दोनों अलग है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं अभी पूरे डिटेल में कि डॉग्स लाइफ शॉर्टर लाइफ देन ह्यूमंस एंड सो 4 ईयर ओल्ड डॉग इज एट फार लेटर स्टेज ऑफ लाइफ एट अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। क्या कह रहा है कि जैसे आदमी यदि 4 साल का है, आदमी का बच्चा यदि 4 साल का है, कुत्ता जो 4 साल का है, दोनों 4 साल का ही है, लेकिन कुत्ता जो है काफ़ी बड़ा है उस केस में यदि देखा जाए तो, अपने लाइफ के लेटर स्टेज में पहुँच चुका है। व्हाट देन इट इज एज इन ह्यूमन ईयर्स, नाउ रिसर्च पब्लिश इन सेल सिस्टम का जर्नल है, वहाँ पे जो रिसर्च पब्लिश हुआ है वहाँ पे एक फार्मूला दिखाया गया है, एक ग्राफ भी बताया गया है।
व्हाट वाइज देयर नॉट अ फार्मूला ऑलरेडी, तो क्या पहले से फार्मूला नहीं था? तो हाँ पहले से फार्मूला था, उसके तहत क्या था कि देयर एग्जिस्ट अ वेरी सिंपल एंड कॉमनली फॉलोड थंब रूल, एक थंब रूल को फॉलो किया जाता था जिसके में क्या होता था कि मल्टीप्लाई या डॉग एज बाई सेवन, डॉग का जो एज है उसको सात से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको आदमी के एज मिल जाएगा। कहने का मतलब कि चार साल का आदमी है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि चार साल का कुत्ता है, यानी 28 साल के आदमी के बराबर है, चार साल का जो कुत्ता होगा 28 साल के आदमी के बराबर होगा। कहने मतलब कि 28 साल का आदमी जितना मैच्योर होता है, जितना यंग होता है, जैसे आदमी का एवरेज यदि 100 लिया जाए तो ज़िंदगी का 28% हिस्सा वो जी जाता है ना 28 साल का आदमी, तो उसी तरह से कुत्ता जो है अपनी ज़िंदगी का 28% हिस्सा जी जाता है चार साल में ही, ठीक है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आदमी यदि कुत्ता यदि चार साल का है तो उसको यदि आदमी का एज में कैलकुलेट करना है, कितना बड़ा आदमी, जैसे जो 4-footed एनिमल होता है, जो भी कुत्ता होता है जन्म लेने के साथ चलता है, लेकिन आदमी कब चलता है, लगभग आई थिंक एक से दो साल के बीच टाइम का टाइम पीरियड लग जाता है उसको चलने में, यानी कि जन्म लिए हुआ जो जानवर का बच्चा जन्म लेते के समय आदमी के बच्चा जो 2 साल इतना बड़ा के बराबर हो जाता है, एक रफली आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं ना कि जो जानवर का बच्चा जन्म लेने के साथ ही आदमी के बच्चा के 2-3 साल के बाद के बराबर हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कुत्ता का बच्चा जो 4 साल का है तो 28 साल के आदमी के बराबर है। लेकिन नया रिसर्च हुआ उसमें पता चल रहा है कि इतना मतलब कि ये जो है तरीका गलत है, मतलब कि ये कैलकुलेट करने का ये तरीका गलत है, नए रिसर्च में ये पता चला है, कहा जाए कि इतना सीधा साधा हिसाब नहीं है कि 1:7 के हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, 7 से गुना कर देंगे तो ग्राफ यहाँ पे कैसे आता, मान लीजिए कि 1:7 वाला ओरिजिनल होता तो ग्राफ हमारा ऐसे आता ना कि ऐसे, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन यहाँ पे अब कहा गया नया तरीका में क्या कहा गया है कि एक कंपेयर करने का तरीका गलत है। द स्टडी लेड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया फाउंड द लेसन बिटवीन डॉग एज एंड ह्यूमन एज द रेड कर्व इन द ग्राफ। तो क्या कह रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, जैसे अभी बोला गया ना कि 7 से गुना कर देंगे तो ऐसा नहीं होता, बल्कि जो रेड कर्व यहाँ पे दिख रहा है इसके जैसा होता है, मतलब क्या हुआ कि आप यदि देख सकते हैं यहाँ पे कि आदमी का एज यदि बच्चा जो है ऐसे देखिए, आदमी का बच्चा यदि 30 साल का है तो डॉग का बच्चा कितना होगा, 1 साल के बराबर होगा, है ना, डॉग का बच्चा 1 साल के बराबर होगा आदमी का बच्चा यदि 30 साल का है। वहीं अब ऊपर जाएंगे तो आदमी का बच्चा यदि 50 से 60 के बीच में, मतलब कि मान लीजिए 52 इसको मान लेते हैं, तो लगभग 4 साल का है, यानी 4 साल का जो है कुत्ता का बच्चा 50 साल के आदमी के बराबर है, वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो नया फार्मूला किस तरीके से उसको यहाँ पर करने के लिए, सपोज योर डॉग इज 4-year-old, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आपका मान लीजिए कुत्ता आपका 4 साल का है तो वाई एक्स एक्सिस जो यहाँ पे था वहाँ पे 4 के पास आप जाइए, जो एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस जो यहाँ पे 4 के पास चाहिए और यहाँ से ऐसे इसको कंसिडर कीजिए तो 52 साल के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इतना सीधा साधा हिसाब नहीं है, पुराना वाला हिसाब गलत है, ऐसा कहा गया है इस नया रिसर्च में, ठीक है। तो यहाँ पता है कि 52 साल, सो 4-year-old एज इक्वेलेंट टू फिजियोलॉजिकल एज ऑफ 52-year-old ह्यूमन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन का बेसिस क्या है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द मोलिकुलर चेंज इन द ह्यूमन जीनोम एंड डॉग जीनोम ओवर टाइम। तो क्या कह रहा है कि ह्यूमन जीनोम और डॉग जीनोम में कितना चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, उसके आधार पर बांटा गया है। रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो एनालाइज्ड पैटर्न ओवर टाइम इन बायोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड मिथाइलेशन। क्या कह रहा है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मिथाइलेशन इन द जीनोम, जीनोम में मिथाइलेशन का प्रोसेस को यहाँ पे देखा जाता है। द न्यू फार्मूला रिसर्चर सेड प्रोवाइड अ न्यू एपिजेनेटिक क्लॉक फॉर डिफॉर्मिंग द एज ऑफ सेल टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वाज द फार्मूला डिराइव, फार्मूला डिराइव कैसे हुआ था, द अनलाइज पैटर्न इन ब्लड सैंपल फ्रॉम 105 लैब्राडोर रिटाइवर्स, तो लैब्राडोर एक कुत्ता का प्रजाति होता है, उसके 105 सैंपल लिया गया वहाँ से। डायग्नोस्ड एज दैट यूजिंग अ सिंगल ब्रीड इज लिमिटेशन सिंस सम डॉग ब्रीड इन लॉन्गर देन अदर्स, व्हाइल कॉलिंग फॉर मोर रिसर्च दे सेड द एपिजेनेटिक क्लॉक इज एक्यूरेट फॉर ह्यूमंस। क्या कह रहा है कि हालांकि रिसर्च को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो अभी पता चल रहा है उसके हिसाब से यही कहा जा सकता है, ठीक है, कि ऐसा कोई डायरेक्ट रेशियो नहीं होता है कि 1:7 के रेशियो में बांट दें, ठीक है, एक परफेक्ट एज नहीं, जैसे आप देख सकते हैं जब परफेक्ट होता तो एक कर्व ऐसे जाता है या फिर ऐसे जाता, सीधा रहता है कर्व, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुरू में क्या है, शुरू में ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि देखा जाए तो दो यहाँ पे 1 साल का बच्चा 30 के बराबर है, लेकिन 4 साल का 52 के बराबर ही हो रहा है ना, तो मतलब जैसे जैसे जाता है रेशियो घटते जाता है। यदि आपका बच्चा जो है 15 साल, मतलब कि यदि आपका जो बच्चा है 70 साल के आसपास का, तो कुत्ता उसमें 15 साल का है, यहाँ पे 5 हो रहा है, वहीं यहाँ पे देखा जाए तो 30 हो जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 4 साल का 52 यानी 13 हो रहा है, यहाँ पे 9 साल जो है 65 के बराबर यानी 7 हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे बढ़ता है उसका रेशियो कम होते जाता है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है कि अवेड नोड IOC विंटर डीजल में भी हेल्प आर्मी राइड ऑफ फ्रीजिंग ट्रेन। तो यहाँ पे जैसे एक बताने वाला बात क्या था कि जो मतलब विंटर डीजल यहाँ पे टर्म है, तो विंटर डीजल क्या होता है, जैसे जो ठंडा इलाका होता है जैसे लेह या लद्दाख वाला जो रीजन है
वहाँ पे नॉर्मल जो डीजल हम लोग यूज करते हैं अपने गाड़ी में, वो डीजल वहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डीजल जम जाता है, तो वहाँ पे फिर गाड़ी कैसे चलेगा, वहाँ पे आखिर गाड़ी कैसे चलेगा। तो उसके लिए अलग डीजल बनाया जाता है जिसको विंटर डीजल बोलते हैं, वहाँ पे एक अलग डीजल बनाया जाता है जिसको हम लोग विंटर डीजल बोलते हैं। तो वही आप कह रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस सून बी यूजिंग विंटर डीजल फॉर ऑपरेशन इन द हाई अल्टीट्यूड एरिया सच एज लद्दाख वेयर विंटर टेम्परेचर प्लमेट टू एक्सट्रीमली लो। ठीक है, स्टेट ओन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो सरकारी कंपनी IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विच इज लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन द कंट्री, जो इंडिया में सबसे बड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। तो ये जो है DGQA डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, वहाँ से अप्रूवल मिल चुका है विंटर डीजल के लिए जो -30 डिग्री के नीचे भी काम कर सकता है। ठीक है, विंटर डीजल क्या है? तो विंटर स्पेशलाइज फ्यूल डेट इंट्रोड्यूस्ड बाय IOC लास्ट ईयर, तो पिछले साल ही IOC के द्वारा इसको चालू किया गया था फॉर हाई अल्टीट्यूड रीजन एंड लो टेम्परेचर, जो ऊंचाइयों पर लो टेम्परेचर जैसे सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, वहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस तक इसको यूज किया जा सकता है इस डीजल को। ठीक है, अभी भी -40 तक नहीं हुआ है। तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट है कि भाई आर्म फोर्सेज यूजिंग करेंटली, तो अभी आर्म फोर्स के द्वारा क्या यूज किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि अभी डीजल नहीं आया है तो इस ठंडे में मिलने वाला है, तो अभी क्या यूज किया जा रहा है? तो इंडियन ऑयल अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंक्लूडिंग BBIL भारत पेट्रोलियम, BPCL जो है ये भी सरकारी कंपनी है, उसके अलावा HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोवाइड द आर्म फोर्सेज डीजल हाई सल्फर पावर पॉइंट। क्या करें कि ज़्यादा सल्फर वाला उनको डीजल दिया जाता है फॉर ऑपरेशन सच लो टेम्परेचर, तो उसमें मतलब कि ऐसे लो टेम्परेचर में हाई सल्फर वाला डीजल ले जाने से यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़्यादा सल्फर होने से यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, इस कारण से इसको हटाने के बारे में सोचा गया। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे कोविड कावासाकी सिम्टम्स, तक पिछले कुछ दिन पहले हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि COVID-19 के कुछ केस में कावासाकी सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो कावासाकी सिम्टम एक्चुअली है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट चिल्ड्रन, इट सिम्टम इंक्लूड रेड आई, रैशेज एंड स्वेलो टंग। तो इसमें क्या होता है कि जीभ में स्वेलो हो जाता है, रेड आई आँख लाल हो जाता है, रेड एंड लिप्स भी रेड हो जाता है, और फिर टर्म स्ट्रॉबेरी टंग, जो अधिकांश इसको स्ट्रॉबेरी टंग के नाम से भी जानते हैं जब इस तरह का टंग बन जाता है, एंड एन इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री। क्या करें, ब्लड वेसल को इन्फ्लेम्ड कर देता है। देयर इज अ कंस्टेंट हाई फीवर एटलीस्ट 5 डेज। क्या करें कि इसमें इस बीमारी में क्या होता है, कम से कम 5 दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा फीवर यहाँ पे होता है, कॉन्स्टेंट फीवर फॉर एटलीस्ट 5 डेज। द डिजीज ऑल्सो अफेक्ट कोरोनरी फंक्शन इन द हार्ट, हार्ट का जो कोरोनरी फंक्शन है उसको भी इस डिजीज के द्वारा अफेक्ट पहुँचाया जाता है, मतलब कि इस डिजीज के द्वारा हृदय को भी यहाँ पे प्रभावित किया जाता है। ये डिजीज जो है अपना नाम कहाँ से डिराइव करता है, कावासाकी। तो कावासाकी एक जापान का डिराइव नेम फ्रॉम कावासाकी पेडिट्रियन, कावासाकी रिपोर्टेड द फर्स्ट केस 1961। तो कह रहे हैं कावासाकी जो है पहली, जिसका जो पहला मरीज था उसका नाम था, ठीक है, 1961 में 4 ईयर ओल्ड वो 4 साल का बच्चा था। तो मेनली छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे बच्चों में पाया जाता है। डॉक्टर 95 डाइड ऑन June 5 इन दिस ईयर इन टोक्यो। तो कह रहे हैं लेकिन इस डिजीज से जो डॉक्टर जो है 95 साल को भी मारे गए इस डिजीज से। ठीक है, तो COVID-19 के कई पेशेंट में इसका लक्षण देखने को मिला है। तो व्हाट इज द लिंक विद COVID-19, COVID-19 से इसका क्या लिंक है उसके बारे में बताया जाता है। चिल्ड्रन विद COVID-19 आर मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक और डेवलप माइल्ड सिम्टम्स। क्या कह रहा है कि जो चिल्ड्रन COVID-19 से अफेक्ट हो रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनमें सिम्टम्स पता ही नहीं चल रहा है या फिर हल्का फुल्का सिम्टम, उनको हल्का फुल्का सर्दी खांसी है। इट इज़ बिन रेयर केसेस दैट चिल्ड्रन विद COVID-19 हैव शोन सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ कावासाकी डिजीज 2-3 वीक्स आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड कोरोना वायरस। जैसे नॉर्मली केस में क्या हो रहा है कि 14 दिन के अंदर सिम्टम पता चल जा रहा है, 14 दिन के अंदर लक्षण पता चलता है, किसी को यदि इन्फेक्शन हो गया है तो किसी को 2-3 दिन में ही पता चल जा रहा है, किसी को 10 दिन में, किसी को मैक्सिमम 14 दिन लग रहा है, 14 दिन के अंदर उसको लक्षण पता चल जाए, लेकिन बच्चे में ये 3 वीक लग जा रहा है, 21 दिन के आसपास लग रहा है लक्षण पता करने में। ठीक है, जैसा कि कावासाकी डिजीज में होता है कि लक्षण उसका निकलने में 2-3 सप्ताह लग जाता है। नेक्स्ट एक व्हाट हैव दिस सिम्टम्स मीन, तो ये सिम्टम्स है क्या, तो अब 14-year-old गर्ल एडमिटेड टू कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल जून केम विद हाई फीवर एंड रैशेज। तो जैसे एक 14 साल की एक लड़की जो थी एक फीवर हाई फीवर के साथ आई थी एक हॉस्पिटल में मुंबई के, उसको COVID-19 पॉजिटिव पाया गया जबकि उसमें कोई लक्षण नहीं था। तो यही बताया जा रहा है कि कावासाकी डिजीज जो है COVID-19 के भी पेशेंट में यहाँ पे पाया जा रहा है, कावासाकी डिजीज का सिम्टम्स भी COVID-19 के पेशेंट में पाया जा रहा था। तो ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, तो द कोकिला बेन हॉस्पिटल डॉक्टर सिंह 14-year-old रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एट अ डोजेज 10 टाइम्स हायर देन यूजुअल, सी ऑल्सो ट्रीटेड टीन विद द ड्रग टोकेजुमाब फॉर COVID-19 मैनेजमेंट। क्या कर रहा है कि यहाँ पे एंटीवायरल जो है COVID-19 का जो ड्रग है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो पहले हमको कावासाकी को ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसका पहले दवाई दिया गया उसके बाद फिर COVID-19 के लिए ट्रीट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री। तो चाइना का एक और लक्षण यहाँ पे खराब होते जा रहा है, अब क्या कह रहे हैं कि भूटान का एक बाउंड्री को, भूटान का एक जगह को अपना क्लेम कर रहा है। एक्चुअली हुआ यहाँ पे क्या था कि एक मीटिंग होता है जीईएफ का, मतलब होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड का मीटिंग था, ऑनलाइन मीटिंग था, जैसे यहाँ पे ग्लोबल UNDP का मीटिंग था, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम का GEF का मीटिंग होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड।
तो इसके मीटिंग में चाइना का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसके द्वारा पहली बार यहाँ पे इशू उठाया गया। मतलब इतने दिन से चाइना कुछ नहीं बोला कि हाँ हमारा टेरिटरी भूटान में भी है, मतलब कि जैसे बोलता है ना अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोलता है तो बहुत पहले से बोलता आ रहा है, 1962 के आसपास, मतलब कि 60 के आसपास नहीं बोलता रहा, लद्दाख के बारे में बोलता तो बहुत पहले से बोलता आ रहा है, लेकिन जिसके बारे में आज तक नहीं बोला था उसके बारे में GEF की मीटिंग में बोला। ठीक है, जैसे जो फंडिंग दिया जाता था GEF के तहत उस वहाँ पे एक सेंचुरी है, ठीक है, उस सेंचुरी को फंडिंग दिया जाता था जिसका नाम है यहाँ पे साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फंडिंग के रोकने, मतलब उसको रोक दिया गया चाइना के द्वारा, कहा कि जो ये हमारा टेरिटरी है। तो पूरा दुनिया जो है आज तक शॉक्ड हो गया देख करके कि अरे ये आपका टेरिटरी कैसे हो जाएगा, है ना। हालांकि फंडिंग दिया गया लेकिन चाइना के द्वारा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि टांग अड़ाएगा कि हमारा टेरिटरी है। ठीक है, तो इसका टेरिटरी कैसे यहाँ पे देख सकते, किस एरिया की बात हो रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे जो देख सकते हैं साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मार्क किया गया उसका बात हो रहा है। तो पूरा दुनिया यही पूछ रहा है कि तुम मान लीजिए कि बॉर्डर पे होता, मान लीजिए कि यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं होता या फिर यहाँ कहीं होता, बॉर्डर पे होता, तो हम समझ सकते थे कि चाइना का वहाँ पे डिस्प्यूट होगा। ये कंट्री के अंदर हिस्से में अब चाइना कल कह दे कि बिहार का पटना जो है हमारा टेरिटरी है तो हर कोई शॉक्ड होगा, वो तो बॉर्डर पे भी नहीं है, पटना का टेरिटरी कैसे हो गया। तो चाइना का एक पॉलिसी है कि थोड़ा थोड़ा करके दूसरे कंट्री को अपनाते जाओ। ठीक है, पहले वो कहेगा कि इतना मेरा है, फिर जब उतना मिल जाएगा उसको कहेगा इतना मेरा है, जैसे लद्दाख में जो हो रहा है, पहले 1962 में एक बाउंड्री बना लिया कि यहाँ तक मेरा है, अब कहता है कि ये भी मेरा है। तो धीरे धीरे उसका आदत यही है, पूरे कंट्री को मिलकर के उसको भस्म कर देना चाहिए, वही सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं तो कंट्री के बीचों बीच में है ना, जैसे इस यहाँ पे जो मार्क देखते हैं साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच में है, तो ये उसका टेरिटरी कैसे होगा। तो कहा उसका फिर चाइना के द्वारा क्या कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का वो मेरा है, अब अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री इसके साथ है यानी कि ये भी मेरा है। ठीक है, मतलब कि इसलिए यहाँ तक मेरा है, ऐसा उसके द्वारा कहा गया। हालांकि इस बात को पूरा दुनिया में कोई नहीं माना। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लिए जब भी लोन लिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मान लीजिए कि इंडिया जब वर्ल्ड बैंक में पहुँचता है कि अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमको लोन दीजिए, तो चाइना पे कहता है कि देखिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कहिए हमारे पास आ जाए कोई नहीं जानता है, तो फिर लोन हम देंगे नहीं आपको। तो वर्ल्ड बैंक फिर अरुणाचल प्रदेश का लोन नहीं देता है, मतलब कि इंटरनेशनल लोन अरुणाचल प्रदेश के लिए मिल ही नहीं पाता। रीज़न क्या है कि वहाँ पर चाइना कहता है कि मेरा टेरिटरी है और इंडिया कहता है मेरा टेरिटरी यानी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी के लिए लोन जल्दी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है और अभी तो इंडिया के पास ये लोन मिला अरुणाचल प्रदेश के लिए, लेकिन यदि इन फ्यूचर मान लीजिए ऐसा तो होगा नहीं, मान लीजिए कि यदि किसी कारणवश डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जब सेटलमेंट हो रहा है, बाउंड्री सेटलमेंट मान लीजिए किया गया इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए कि चाइना में चला गया, डेट फॉर इमेजिन है ना, तो पैसा फिर कौन देगा, इंडिया या चाइना? वर्ल्ड बैंक कोई कन्फर्म तो है नहीं। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड बैंक या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जगह के लिए लोन नहीं देता जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आता है। तो वही यहाँ पे हो रहा था कि GEF का फंडिंग मिलता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड का मिलता है फंडिंग साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, तो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जब फंडिंग मिलता है तो उसको सोचा कि इसको रोकवाया जाए, तो रोकवाने के लिए चाइना यहाँ पर टांग अड़ा रहा था। हालांकि इधर GEF का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब कि GEF जो रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वही उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मतलब इंडिया जो है GEF में रिप्रेजेंट करता है, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चार कंट्री को GEF में इंडिया अकेले रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इनके ऑफिसर वहाँ पे नहीं बैठते हैं, भूटान के ऑफिसर या फिर बांग्लादेश के ऑफिसर, श्रीलंका के ऑफिसर GEF के मीटिंग में नहीं बैठते हैं, इंडिया के ऑफिसर ही चारों कंट्री के बदले बैठते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंडिया के ऑफिसर थे उनके द्वारा बात बोला गया। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन चाइना और भूटान के बीच में कहाँ कहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट है। द भूटान एंड चाइना हैव नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, हैव हेल्ड 24 राउंड ऑफ बाउंडेड टॉक बिटवीन 1984 टू 2016, तो 1984 से 2016 तक जो है भूटान और इंडिया के, भूटान और चाइना के बीच 24 बाउंड्री टॉक हो चुका है। टॉक कंसंट्रेटेड नॉर्थ एंड वेस्टर्न भूटाजन, तो जो भी टॉक है नॉर्थ रीजन और वेस्टर्न रीजन इधर के रीजन के लिए हुआ है, ईस्टर्न रीजन पे तो बाउंड्री है ही नहीं उतना ज़्यादा है ना, मतलब कि जो भी ईस्टर्न रीजन पे तो इंडिया के साथ बाउंड्री है इसलिए इधर कोई टॉक होता नहीं था। ईस्टर्न भूटान नो पार्ट ऑफ द टॉक सो फार, से ऑफिशियल क्या कहते हैं, ईस्टर्न भूटान आज तक टॉक का हिस्सा नहीं रहा है। साक्तेंग सेंचुरी सिचुएटेड क्लोज टू द बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, साक्तेंग जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ है। इन जून 20 चाइना अटेम्प्टेड टू स्टॉप UNDP GEF फंड फॉर साक्तेंग बाय क्लेमिंग इट वाज डिस्प्यूटेड बट वाज ओवरल्ड, है ना। तो पर पूरे दुनिया इस बात को नकार दिया, सब लोग हंसने लगे कि मतलब कि चाइना ही क्या हो गया है इसको। अब कल वही ना, मतलब कि जैसे बाउंड्री पे होता तो मान सकता था कोई भी कि हाँ हो सकता है भाई डिस्प्यूटेड होगा, लेकिन अब इतना दूर पे है, इतना अंदर में है, तो वही हम जैसे फॉर एग्जांपल हम करें कल यदि पटना यहाँ पे कहीं है तो बोल देगा चाइना कि पटना मेरा टेरिटरी था, है ना। आज के हज़ार साल पहले हमारे दादा यहाँ पे चीनी बेचने आए थे और इसके कारण से वहाँ पे एक कट्ठा ज़मीन खरीदे थे, पटना मेरा हो गया, ऐसा भी बोल सकता है वो लोग, कुछ कह सकता है कहने को लोग। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया कि अभी तक वो टॉक का हिस्सा रहा नहीं है। और जैसे यहाँ पे कहा गया कि डोकलाम भी जब हुआ था, डोकलांग यहाँ पे है, डोकलाम जो है भूटान का टेरिटरी है, इंडिया का टेरिटरी नहीं है। डोकलाम जो है भूटान का टेरिटरी है, लेकिन इंडिया जो है भूटान
2006-07 के पहले तो उसका इंटरनेशनल रिलेशन रहता ही नहीं था, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था, है ना। मतलब दूसरे देश से संबंध नहीं रखता था, इंडिया से पहले पूछता था कि हम चाइना से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम जापान से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। इंडिया से वो पूछता था भूटान, ठीक है। तो लेकिन अब जो है इंडिया के द्वारा ही बोला गया कि आप एक अलग कंट्री हैं, हर बात के लिए हमसे मत पूछिए, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भूटान मतलब डोकलाम में जो तीनों का ज्वाइंट जंक्शन आपको बन रहा है, यहाँ पे सिक्किम के पास, यहाँ पे मतलब कि इस एरिया में, एक मिनट, इस एरिया में डोकलाम है, ठीक है। यहाँ पे जो ज्वाइंट बन रहा है ना, वहाँ पे डोकलाम है, ठीक है। तो ये ट्राई जंक्शन है इंडिया भूटान और चाइना के बीच में, ठीक है, ट्राई जंक्शन। नॉर्मली ट्राई जंक्शन पे क्या होता है कि इस तरीके का, उसको चुंबी वैली बोलते हैं। तो नॉर्मली ट्राई जंक्शन पे एक बिल्डिंग वगैरह बना दिया जाता है, क्योंकि ट्राई जंक्शन एक छोटा सा एरिया होता है, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग बना दिया जाता है या फिर पेड़ वगैरह जंगल वगैरह बना दिया जाता है, कोई भी कंट्री उसको यूज नहीं करता। लेकिन चाइना जैसा जब पड़ोसी हो तो फिर हर एक ट्राई जंक्शन पे लड़ाई होना तय है, ठीक है। और यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, तो न्यूज़ में बस इतना ही था, आगे हम दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ है कि 4 मायोस्ट किल्ड इन ओडिशा कंधमाल। तो हमको उससे मतलब नहीं कि कौन कहाँ पे मरा, मायोस्ट मरा, तो कंधमाल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंधमाल का एक हल्दी है जिसको GI टैग मिल चुका है, ठीक है। तो याद रखिए, कंधमाल का हल्दी को GI टैग मिल चुका है और GI टैग ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट है कि WTO का, WTO का एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसी के तहत GI टैग दिया जाता है। इंडिया में GI टैग का जो हेड ऑफिस है चेन्नई में है, इंडिया में जो GI टैग देने वाली संस्था है उसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। और 99 में इसके तहत एक एक्ट आया था GI टैग देने के लिए, ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ टैग देने के लिए इंडिया में 99 में एक्ट आया था। उसी के तहत पहली बार 2003 और 2004 के बीच में जो है 2003-04 वाले सेशन में दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहली बार इंडिया में GI टैग दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला था, आई थिंक पिछले साल 18 में या 19 में मिला था, हाल ही फिलहाल में मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये था इस न्यूज़ से, और इस पेज में कोई न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हुमायूं टॉम का पिक्चर दिया गया कि ASI के तहत, जैसे दो दिन पहले न्यूज़ आया था ना कि मंडे से ASI के तहत जो भी संस्था है उसको ओपन किया जाएगा, तो आज से हुमायूं टॉम को भी ओपन किया जाएगा, क्योंकि ASI के अंदर ये भी आता है, ASI इसको भी संरक्षण प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो यहाँ पे कहा गया ASI विल ओपन ऑल मोनूमेंट टू विजिटर। तो ASI के तहत जितने मोनूमेंट अपने विजिटर को अलाउ करेगा, उनको ई टिकट बाय करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा यदि घूमना चाहते हैं। तो हुमायूं टॉम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हुमायूं टॉम किसके द्वारा बनाया गया था, तो हुमायूं की विधवा के मतलब कि हुमायूं की जो विडो थी उनकी बेगम के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था हाजी बेगम, ठीक है, उसको हाजी बेगम के नाम से जानते थे। 1569-70 के आसपास से बनाया गया था, 1569-70 में बनाया गया था। पहला इंडिया में मॉन्यूमेंट था जिसमें चार बाग बनाया गया था, मतलब कि जिसमें चार गार्डन बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। पहला इंडिया में ऐसा कोई मॉन्यूमेंट है जिसमें चार बाग स्टाइल में बनाया गया था, और रेड सैंडस्टोन का इतना व्यापक तरीके से यूज किया था। इसमें देख सकते हैं लाल बालू पत्थर का यूज किया गया, तो रेड सैंडस्टोन का इतना बड़े लेवल पे यूज किया गया था पहली बार इंडिया में, और चारबाग गार्डन भी पहली बार यहाँ पे बनाया गया था। 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो कल जो है जैसा कि हम बताए थे कि 244वां बर्थ एनिवर्सरी सॉरी इंडिपेंडेंस डे था, कल जो है 4 जुलाई को, कल नहीं मतलब 4 जुलाई को जो है USA का 244वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 244 साल हो गया उसको आज़ाद हुए, हालांकि हम लोग का भी 70 ही हुआ है। तो इंडिया की तरफ से मैसेज भेजा गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्ड ऑन द 244th इंडिपेंडेंस डे यूनाइटेड स्टेट, थैंक यू। तो उधर से रिप्लाई आया था, है ना, जैसे इंडिया की तरफ से क्या गया था कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बोथ इंडिया एंड US चेरिस फ्रीडम एंड ह्यूमन इंटरप्राइज। तो उधर से रिप्लाई आया था कि थैंक यू माई फ्रेंड, है ना, मिस्टर मोदी, सॉरी कहाँ चला गया यार, थैंक यू माई फ्रेंड, अमेरिका लव्स इंडिया, है ना। तो इस बात को लेकर कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि ट्रंप के द्वारा ऐसा बोलेगा कि अमेरिका लव्स इंडिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन आने वाला है, वहाँ पर इंडियन लोगों के वोट लेने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ED के बारे में, तो ED के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ED के बारे में हालांकि कई बार डिस्कस किए हैं, आज भी पढ़ लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, 1 मई 1956 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। लेकिन उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में इसका उस समय नाम था, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ED जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था जब 1956 में बना था EU के रूप में। 1957 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ED, और अब ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। ये मेनली दो लॉ में डील करता है, फेमा एक्ट 1999 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, PML एक्ट 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये दोनों लॉ में मेनली डील करता है। और इसका काम क्या है, तो इकोनॉमिक क्राइम को देखना, है ना, दुनिया में जो इंडिया में जो भी इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है उसको देखना इसका मेन काम है। तो आज के न्यूज़ डिस्कशन में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।